हेलो नमस्कार साथियों, मैं पीपी के देवगन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है डॉक्टरों के द्वारा। जो कोई भी डॉक्टर अब ये वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकते थे। ये होता क्या था कि यदि किसी लड़कियों को, महिलाओं को यदि कोई बलात्कार करता था, तो उनके महिलाओं को और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में जो है टू फिंगर्स घुसाए जाते थे। ये जो टू फिंगर्स है ना, उनके प्राइवेट पार्ट्स में घुसाया जाता था और ये चेक किया जाता था यदि ये टू फिंगर्स आसानी से यदि गर्ल्स और फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में घुस जाता था, तो ये कहा जाता था कि उनको जो है बलात्कारी ने बलात्कार किया है। यदि आसानी से नहीं जाता है तो इसका मतलब है उन्हें बलात्कार नहीं किया गया। तो ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले से ही रोक लगा चुका था, लेकिन पूर्णतः जो है यह कल न्यूज आया था, जो पूर्णतः जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी डॉक्टर जो है ये टू फिंगर्स टेस्ट नहीं कर सकता है, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकता है। अब आप ही समझिए, उस महिलाओं को जिसे बलात्कार हुआ है, ये तो बलात्कार किया ही, और जो डॉक्टर प्राइवेट पार्ट्स में जो ये टू फिंगर्स प्रवेश करते हैं, ये भी एक बलात्कार से कम नहीं है। इसी को मान्यता देते हुए कि ये जो टू फिंगर्स डॉक्टरों के द्वारा मादा के प्राइवेट पार्ट्स में प्रवेश कराया जाता है, ये भी बलात्कार से कम नहीं है। इसके तहत क्या किया गया कि इसको जो है रद्द कर दिया गया और इसे जो है अब कोई भी डॉक्टर्स यूज नहीं करेंगे और वर्जिनिटी टेस्ट करने में इसका यूज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुँच पाएँ और इसके बारे में जान सकें जो नहीं जानते। थैंक यू।